अगे क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट पार्ट हमें इवेल्युएट करना है, क्या है इसमें? टोटल दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में है साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। एक्चुअल में आपको लास्ट एक्सरसाइज में ये बताया गया था कि जैसे ही आप 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंगल के अलावा कोई एंगल देखते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए थर्ड एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। ओके, तो यहां आपको क्या चेक करना है कि किन दो एंगल्स का एडिशन 90 आ रहा है। इट मींस यहां सबसे पहले हम थर्ड एक्सरसाइज की हेल्प लेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री, जिसमें 63 एंड 27 इन दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन हमारे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ऐसे ही लोअर पोर्शन में 17 एंड 73 इन दोनों का एडिशन भी 90 बन रहा है। तो यही पहचान है कि हमें इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए हम किसी भी एक को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। चलिए 63 को कर लेते हैं। तो देखिए 63 को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये वाला पोर्शन सेम 27 डिग्री। इन द सेम वे आप यहां पर भी किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए 17 डिग्री को करें तो 90 माइनस 73 डिग्री लिखा जा सकता है, और यहां हमारे पास कोस स्क्वायर 73 डिग्री सेम रहा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा? ऐसा करने से देखिए 90 माइनस की वजह से लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, जब भी 90 माइनस कुछ आता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जो रेशियो है वो रिस्पेक्टिवली चेंज होंगे। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। जो एंगल यहां है माइनस के बाद वो एंगल इधर रहेगा। इसकी जितनी पावर है वो पावर इसके भी आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू सेम। ऐसे ही नीचे नीचे देखिए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री बिल्कुल सेम है। अब यहां फर्स्ट आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, वो दोनों का जो एंगल है वो एंगल क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम। और यहां पर जो पावर है वो पावर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होनी चाहिए और प्लस ही होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इनका ओवरऑल रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यही कंडीशन यहाँ, ये देखिए कोस एंड साइन 27 27, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर एंड एडिशन। तो इट मीन्स ये न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रिजल्ट देंगे, 1, और डिनोमिनेटर में भी आप नोटिस कर सकते हैं बिल्कुल सेम कंडीशन चल रही है, स्क्वेयर सेम एंगल एडिशन हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में अब हमें क्या गिवन है, साइन 25 डिग्री कोस मल्टीप्लाई में कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री। तो अब हमें फिर से वही उन 5 स्पेसिफिक एंगल्स के अलावा एंगल कोई देखने को मिल रहा है। तो हमने नोटिस किया कि इन 25 और 65 दोनों का ही एडिशन कितना आ रहा है, 90। इट मीन्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड वर्क यहाँ करना पड़ेगा। तो अब आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक एंगल को आप चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हम 25 एंगल को चेंज कर रहे हैं, तो 25 को कैसे लिखा जा सकता है, 90 माइनस 65, और कोस 65 यहां सेम रखा हमने। फिर से यही 25 की जगह 90 माइनस 65 और साइन 65 इधर सेम मल्टीपल में चल रहे हैं। तो 90 माइनस की वजह से साइन पर क्या इफेक्ट होगा, वो हो जाएगा कोस 65 एंगल कोस 65 एंगल। इन द सेम वे ये किस में चेंज होगा, साइन 65 एंगल मल्टीप्लाई में साइन 65 एंगल। अब देखिए दो सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई कर रही हैं, इट मींस उनके जो पावर होगी वो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। दोनों की पावर कितनी थी, 1 1, पावर ऐड होकर 2 बन गई। यहां पर भी सेम प्रोसेस, सो दोनों की पावर क्या हो गई, ऐड, और पावर बन गई 2। तो
और फिर से देखिए हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65 एंगल एंगल सेम पावर 2 एंड देयर एडिशन सो द रिजल्ट इज 1.